हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। जी आज मैं जा रहा हूँ अमृतसर जाने के लिए। जो मैंने ट्रेन पकड़ी है वो पकड़ी है पटना से, और अभी मैं पटना के गेस्ट हाउस में हूँ, जिसके रूम के पर नाइट का किराया मैं दे रहा हूँ 250 रुपये। और ये मेरा रूम, रूम बिखरा पड़ा है अभी, और अभी बज रहे हैं सुबह के 3, और मैं जा रहा हूँ रेडी होकर स्टेशन, क्योंकि 3:40 में हमारी ट्रेन है, तो ट्रेन मिस ना हो इसके लिए हम लोगों को ट्रेन स्टेशन जाना होगा। पहुँचकर आपसे बात करता हूँ। काफ़ी मशक्कत करने के बाद ट्रेन मिली भाई। ये ट्रेन ना ऑलमोस्ट छूटने वाली थी, है ना साहिल? हाँ भाई, ट्रेन छूटने वाली थी मगर इस तरह से बच गई। अभी ट्रेन खुल चुकी है, और सुबह जल्दी उठने के कारण फिलहाल सोने का इरादा है, तो आपसे बात करता हूँ मैं नेक्स्ट डे सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी आ गए हम लोग अमृतसर। ये है हमारा होटल। ये होटल हम लोग को पर नाइट के लिए मिला है 550 रुपये। ये होटल, ये हमारा बेड, और वो चार्जिंग पॉइंट हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं फ्रेश होकर। सबसे पहले हम लोग जाएंगे वाघा बॉर्डर। वाघा बॉर्डर आप लोग नाम सुना होगा ना, इंडिया पाकिस्तान का वो कॉरिडोर। जी हाँ, तो पहले हम लोग वहाँ जाने वाले हैं, तो पहले फ्रेश हो लूँ, फिर वहाँ के लिए जब निकलता हूँ तो बात करता हूँ। तो अब हम लोग हो चुके हैं बिल्कुल रेडी जाने के लिए। तो हम लोग चलते हैं बाहर। सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट, उसके बाद जाएंगे वाघा बॉर्डर। क्या बोला है? क्या सड्डा पिंड का कल्चर है इसमें। तो अंदर भी जा सकते हैं क्या? अंदर भी जा सकते हैं। यहाँ तक लोग घूम रहे हैं ना, वहाँ तक हाँ ना। सड्डा पिंड पहली बार यहाँ कल्चर है साहिल। सड्डा पिंड कर कुछ जगह है भाई यहाँ पे। अरे साहिल साहिल, आपने तो रंग बिरंगा तिरंगा बन गया, मेरा भी बन रहा है भाई। वाघा बॉर्डर जाने के लिए तिरंगा लगाना जरूरी है, ऐसा कुछ भाई का ही बन रहा है। जा रहे हैं पाकिस्तान का मैच देखने। जी सर, कौन सा ब्लॉगिंग टाइम? कल भी एक यूट्यूबर आया था, वो चैनल पे अभी आप लाइव हो ना? मैं लाइव हूँ, प्रॉब्लम नहीं है, बताना तो चाहिए था। आप लाइव बता, ऐसा कुछ जरूरी है। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वो मुझे ही मालूम है, लेकिन मतलब बोल रहे थे ना कि वहाँ लगवाना जरूरी है। मुझे लगा आपके यूट्यूब में भी अच्छा लगेगा आपको, सभी को बोलेंगे कमेंट करके। तो सर कौन सा बताया चैनल? ब्लॉगिंग। वाघा बॉर्डर जाने की निशानी। तो वाघा बॉर्डर पहुंचने वाले हैं। हाँ भाई, तो काफ़ी चेकिंग करने के बाद हम लोग को अंदर जाने का अलाउ मिला है। सारे बैग्स और पर्स, कैमरा, पानी का बोतल ले, कैमरा लेना अलाउड है, मोबाइल नहीं, बैग ले आना अलाउड नहीं है। और बाकी हम लोग सारे क्लियर करवा के जा चुका होगा। अच्छा भाई, वो एरिया ना तार से बंधा हुआ, तो पाकिस्तान के एरिया में आता है। तार वाला बाड़ा दिख रहा है आपको, शायद आपको ना दिख रहा हो। उसके जो उस साइड का जो एरिया है ना, वो पाकिस्तान है। बहुत करीब से पाकिस्तान को देखा। एंट्री चालू है ना। तो भाई यहाँ आने से पहले सोच ली, क्योंकि यहाँ पर बैग का रखने का जो चार्ज है ना, वह 100 रुपये मिनिमम। तो पहली बार यहाँ आने से पहले ये सोच लियो कि तुमको लेना है या नहीं। कैप अकाल पे तिरंगा ये बना दिया जाए, और ये जरूरी है, तभी तुम लोगे इंडियन हो। भाई बोतल बोतल ठीक है ना। नहीं मिलेगा, 4 घंटे पढ़ना ठंडा पानी ले लो। भाई मिलेगा ना यार अंदर पानी, नहीं मिलेगा। बोतल हम लोग छोड़ के आ चुके हैं भाई, बोतल भूल गए यार ऑटो में ही। पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलना तो चाहिए। बिना पानी के लोग कैसे रहेंगे 4-4 घंटे वो भी। और अभी सीरियस किचन का गन्ने का जूस। भाई फिलहाल हम लोग जा रहे हैं गन्ने का जूस पीने, क्योंकि यार दबा के गर्मी यार यहाँ पे। सबसे पहले आप भाई ना, आपको ये बताना है कि मेरा ये न्यू लुक कैसा लग रहा है। भाई हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल वाघा बॉर्डर के करीब, जहाँ से इंडिया और पाकिस्तान की सीमा लगती है, बिल्कुल बगल। यार अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, अंदर जाने के बाद ओपन करूँगा। पहले तो मुझे लगा कि ट्राइपॉड और माइक लेकर जाने लगे, मगर फाइनली ट्राइपॉड भी आ गया और माइक भी। और हम लोग आ गए हैं बॉर्डर के अंदर, दिख रहा होगा। पीछे का जो हिस्सा था ना वो पाकिस्तान है, मतलब वो कॉरिडोर है, ये आपका बॉर्डर। तो आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। बॉर्डर की वाघा बॉर्डर की वो जो अधूरी वीडियो आपने देखी उसकी वजह थी बैटरी का डाउन होना। अचानक से बैटरी डाउन हो जाने की वजह से वो वीडियो अधूरी बन गई। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो जो खेल चल रहा था वो बस थोड़ी देर और था, थोड़ा सा और दिखाने के बाद बंद हो गया। और दूसरी बात ये कि मैं वहाँ से निकला करीब साढ़े सात के लगभग में, और अभी मैं होटल के रूम में पहुँचा हूँ 8:30 बजे करीब। यहाँ से रेलवे स्टेशन अमृतसर रेलवे स्टेशन से करीब 1 घंटे की दूरी। और सबसे मज़े की बात यह है कि यार मज़े बहुत आए, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं रिकमेंड करूँगा एक बार वाघा बॉर्डर आने के लिए सभी को। लेकिन अगर आप वाघा बॉर्डर आते हो तो प्लीज़ 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 वाघा बॉर्डर में आप कोई भी बैग या कोई भी सामान लेकर ना जाए, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ बैग को जमा लेने के लिए ना, वो चोरी से बचने के लिए लेता है ना, वो बचने के लिए सिर्फ एक बैग का 100 रुपये। यार खुली लूट मची थी यार वहाँ पे, एकदम खुली लूट। इसीलिए मैं बस ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि वाघा बॉर्डर ज़रूर जाए, मगर वो बैग वैग लेकर साथ में रखें, उसकी वजह से आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। और दूसरी बात यह कि ऑटो आप ऐसा खोजें जो रिज़र्व ना हो, अगर कम पैसे में पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि अगर रिज़र्व करके आप ऑटो जाते हो तो रिज़र्व करके ऑटो में काफ़ी पैसे खर्च होंगे, करीब 700 से 800 रुपये। उससे बचने के लिए आपको ऐसा ऑटो ढूंढना होगा जो पहले से ऑलरेडी सवारी ली हुई हो, ऑलरेडी पैसेंजर से भरी हुई हो, वो ऑटो ढूंढें ताकि आपको वहाँ पहुँचने में आसानी हो। तो बस गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही, और कल हम लोग फिर एक नई वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब कल हम लोग जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल और कल जा रहे हैं जलियावाला बाग और गोल्डन टेम्पल। आई होप आपको इस वीडियो में मज़े आए हैं। अगर मज़े आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो गुड नाइट।